अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन नगट्स। ये 200 ग्राम चिकन है। हम इसको पानी में उबाल लिए, मिर्ची नमक डाल के मैश करके रखे। एक आलू है, बिग साइज उबला हुआ आलू है, इसको मैश करके रख लिए। 5-6-7 ब्रेड है ये, 2 अंडे ब्रेड, इसके ब्रेड क्रम्स बनाना है ये स्लाइस के। ये 2 अंडे में डिप करना, डिप करके तलना रहता है। ये इसके वेजिटेबल्स है, स्प्रिंग ऑनियन, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज। और इसके मसाले हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून फुल लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्ची, और ये 2 चॉप करे हुए हरी मिर्ची, 1/2 नींबू, 1 कप रवा, ये सोया सॉस और विनेगर। जब ये पूरा बनते होगा तो आपको बताऊंगी मैं कितना कितना डालना। चलिए बनाना शुरू करते हैं चिकन नगेट्स। वन टीस्पून ऑयल डालना, प्याज डाल देना इसमें, अदरक लहसुन थोड़ा, अदरक लहसुन चिकन का है, हरी मिर्ची का खाना हो। ये प्याज डाल लिए अपन, अदरक लहसुन डाल लिए, उसके बाद ये चॉप करी हुई हरी मिर्ची डाल देना। चॉप करी हुई हरी मिर्ची डाल लिए बाद ये चिकन डाल लेना। चिकन को अच्छा मिला लेना। चिकन भुनने बाद ये पत्ता गोभी, गाजर, ये पूरे स्प्रिंग ऑनियन, पूरे वेजिटेबल्स डाल देना। डाल लेके इसको अच्छा भून लेना। सोया सॉस लो, बस डालो तो बाद में मिला जाए। 1 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून सब अच्छा भून लेना। तो भून ले, 1 कप ये जो रवा है अपन इसमें डाल देना। डाले बाद फिर ये मसाले डाल, सब डाल देना। डाले बाद पानी से अच्छा होता है, पानी से नहीं थी इसे डाल देंगे। चलिए ये भुने गया 1 सेकंड तक, उसके बाद पानी डाल दें, 1 कप पानी।
फिर अच्छा वो करना, पूरा पानी पेड़ तक अच्छा, वेजिटेबल्स भी गल जाते हैं, ये रवा भी अच्छा बैंड हो जाता। देखो ये पूरा ऐसा सूखना है, ये पूरा पानी, ऐसा पानी आप कितना रवा ले रहे हैं उसके हिसाब से पानी डाल के, ऐसा ये पूरा सूख जाना है ऐसा पूरा, तो बाइंडिंग अच्छी आती आलू की, मैं आपको करके बताऊंगी। एक चम्मच विनेगर डालना, विनेगर मिला लेना इसमें, जरा चख लेना नमक खट्टा ये देख के, फिर अपने हिसाब से मिला लेना। अगर विनेगर नहीं है तो आप नींबू डाल सकते, एक नींबू डालना। हमारा बैटर बनके तैयार हो गया, ऐसा रहना ये, मैं आपको बताई ऐसा रहना ही। ये ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद अपन ये आलू जो बॉईल करके रखे अपन इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स कर दे के ये कोथमीर डाल के पूरा मिक्स, ये पूरा मिक्स करके फिर आपको बता हम कैसा बनाना फिर बताती हूँ। तैयार हो गए चिकन नगेट्स, अब इसका आगे का प्रोसेस आप देखिए। चलिए ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए, ये अंडा, दो अंडे ऐसा फेंट लेना, इसको काली मिर्ची नमक डाल के इसको ऐसा फेंट लेना। अब बनाना शुरू करते हैं अपन, ऐसा करना इसको, इसको अच्छा ऐसा अंडे में फेंट के ब्रेड क्रम्स। ये ऐसा बना के तैयार करना, ये पूरे अपन ऐसा अंडे में डिप करते जाना, अच्छा ब्रेड क्रम्स लगाना, फिर इसको ये पूरे सूखे बाद में से फिर डीप फ्राई करना, फिर डीप फ्राई करे बाद में से फिर आपको बताऊंगी मैं डिश आउट करके। ब्रेड क्रम्स लगा के रख दिए ये अंडा और ब्रेड क्रम्स, इसको ज़रा सूखे बाद फिर डीप फ्राई करना, डीप फ्राई करे बाद में से फिर आपको बताएंगे। तले बाद 2 मिनट रखना सूखने के लिए, मैंने अब डीप फ्राई करना, डीप फ्राई करना तलना शुरू कर देना। तेल डीप फ्राई कर जितना तेल आपने को ये डीप करके पूरा तलना है, ये होगा अपने हिसाब से ले लेना तेल होगा, ऐसा होना ब्राउन कलर के होना ये। और मीडियम फ्लेम पे तलना, ज़्यादा तेज आंच पे नहीं चलना, तेज आंच पे चले तो जल जाते, मीडियम तेल को अच्छा गरम कर लेके मीडियम फ्लेम पे तलना तो अच्छे मज़े के होते ही। तैयार है, अच्छे क्रूम क्रूम हुए, चिकन नगेट तैयार है। आप भी खाइए, आपके घर वालों को भी खिलाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छे मज़े लेके खाइए, बहुत मज़े के बने, ऐसे तोड़ के भी बताती मैं, देखो अच्छे मज़े के भी बने, बनाइए आप, मैं जैसा बताए वैसा बनाइए। अल्लाह हाफिज़।